हेलो दोस्तों, आज लोग बनाने वाले हैं हलवाई जैसा मूंग दाल कचौड़ी, जो बनाने में दोस्तों बहुत ही आसान है और खाने में उतना ही लाजवाब है। तो दोस्तों देखिए हम लोगों की जो मूंग दाल कचौड़ी है वो कितना खस्ता बना है और क्रिस्पी भी है। एक बार हमारे तरीके से आप ट्राई ज़रूर करें। और दोस्तों हम लोगों ने जो तरीका इस्तेमाल किया है उससे आपकी कचौड़ी जो है फूलेगी भी और फटेगी नहीं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित, और अंकित कुकिंग सीक्रेट में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मूंग दाल कचौड़ी बनाने के लिए दोस्तों हम लोगों ने आधी कटोरी मूंग दाल लिया है, तो इसको हम लोग सबसे पहले भिगाना है। तो दोस्तों भिगाने के लिए हम लोग पानी को ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से 2 से 3 पानी से साफ कर लेंगे। तो दोस्तों देखिए हम लोगों की दाल जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है, तो इसमें हम लोग पानी को डाल देंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का जो दाल है वो अच्छे तरीके से फूल चुकी है। तो इसको हम लोग सबसे पहले हम लोग एक दरदरा सा पेस्ट बनाना है। तो दोस्तों जो इसका मूंग दाल का पेस्ट बनाना है वो दरदरा ही रहता है, तो उसी तरह दोस्तों हम लोग इसको अच्छे तरीके से पीस लेंगे। तो देखिए दोस्तों हम लोगों का जो मूंग दाल है वो दरदरा ही हम लोगों ने पीसा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका मसाला बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग कढ़ाई लेंगे और उसमें डाल देंगे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, और इसी में दोस्तों ये 1 टेबल स्पून जीरा है और 1/2 टेबल स्पून साबुत धनिया को कूट लिया था और 1 टेबल स्पून सौंफ है, तो इसको भी ऐड कर देंगे। और दोस्तों 1/4 हम लोग हींग का भी इसी में ऐड कर देंगे, इससे जो इसका कचौड़ी का फ्लेवर है बहुत ही लाजवाब आएगा। तो इसको भूनने के बाद दोस्तों हम लोगों ने 1.5 इंच अदरक लिया था, तो इसको हम लोग कूट लिया था, तो इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। और इसी में 5 से 7 हम लोग हरी मिर्च को ऐड किया है, जिससे थोड़ी कचौड़ी दोस्तों हम लोग की है जो स्पाइसी भी बनेगी। तो इसको ऐड करने के बाद इसी में हम लोग ये 1/2 कटोरी हम लोग बेसन लिए हैं, तो बेसन को भी ऐड कर देंगे। बेसन दोस्तों डालने से जो मूंग दाल का जितना भी मॉइस्चर रहेगा वो ये सोख लेगा और जो हम लोगों का जो मिक्सर है वो बहुत ड्राई बनेगा। तो इसको हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसी में 1/2 टेबल स्पून सूखी लाल मिर्च है और 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच दोस्तों हल्दी पाउडर है, तो इसको भी ऐड करके हम लोग भून लेंगे। तो दोस्तों बेसन को हम लोग लमसम 10 मिनट के लिए भूने हैं, क्योंकि इसको भूनना बहुत ज़रूरी है। और इसी में दोस्तों 1/2 टेबल स्पून हम लोग सेंधा नमक और 1/2 टेबल स्पून ये नमक को ऐड कर देंगे। और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से हम लोग मिला लेंगे और इसी में जो मूंग दाल को पीस कर रखे थे तो इसी में ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग अच्छे तरीके से चला देंगे, ताकि जो हम लोग मसाले को ऐड किए हैं वो अच्छे तरीके से इसमें मिल जाए। तो देखिए दोस्तों अभी जो हम लोग का मिक्सर है थोड़ा गीला लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे भुनाता जाएगा वैसे ड्राई होता जाएगा। और इसी में हम लोग 1/2 टेबल स्पून एक गरम मसाले को ऐड कर देंगे, और दोस्तों इसको भी डालने के बाद हम लोग अच्छे तरीके से भून लेंगे। तो दोस्तों इसको भूनना बहुत ज़रूरी है, जितना भुनेगा उतना इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आएगा। और इसी में हम लोग 1 चम्मच आमचूर का पाउडर लिया है, इससे दोस्तों हम लोग जो मूंग दाल की कचौड़ी है वो खट्टा भी बनेगा, तो उससे बहुत ही लाजवाब आता है। और इसी में हम लोग ये कसूरी मेथी लिए हैं और फ्रेश धनिया है, तो इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से इसी में डाल करके और मिला लेंगे, इससे जो हम लोग कचौड़ी है बहुत ही लाजवाब लाएगी। तो देखिए दोस्तों हम लोग का जो मसाला है फिलिंग है वो अच्छे तरीके से भून कर तैयार है, तो इसको हम लोग अब नीचे उतार देंगे और ठंडा होने देंगे। तब तक दोस्तों हम लोग आटा लगा लेते हैं। तो आटा लगाने के लिए हम लोगों ने ये 1.5 कटोरी मैदा लिया है, और इसी में दोस्तों हम लोग 1 टेबल स्पून अजवाइन लिया है, तो पेट के हाजमे के लिए दोस्तों बहुत ही ये ज़रूरी होता है, तो इसमें हम लोग ये ऐड कर देंगे। और ऐड करने के बाद हम लोग इसी में ये स्वाद अनुसार नमक को भी ऐड कर देंगे। तो दोस्तों नमक को ऐड करने के बाद इसको हम लोग अच्छे तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग फिलिंग में भी नमक को ऐड किया है, तो उसी अनुसार से आप नमक को ऐड करें। और इसी में हम लोग खस्ता बनाने के लिए ये देसी घी लिए हैं, तो आप चाहें दोस्तों तो वनस्पति ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से मिलाने के बाद हम लोग ये नॉर्मल पानी लिए हैं, तो उसको अच्छे तरीके से एक हम लोग सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो दोस्तों जो इसका कचौड़ी का डो होता है थोड़ा नरम ही होता है। देखिए हम लोगों का जो आटा है बनकर तैयार है, तो इसको हम लोग झिल्ली से ढक करके छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों चलिए इसका हम लोग डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए हम लोग छोटे छोटे पीसेस में इसको
फोड़ लेंगे। तो देखिए हम लोग का डो बनकर तैयार है, चलिए फिलिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों फिलिंग करने के लिए हम लोग थोड़ा सा हाथों से प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद इसका हम लोग दोस्तों ये पूड़ी बना लेंगे। तो देखिए हाथों से प्रेस करते जाएंगे, तो किनारे में दोस्तों हम लोग पतला करना है, और बीच का जो है सेंटर है उसको थोड़ा मोटा ही रखेंगे, और इसी में एक चम्मच हम लोग फिलिंग को ऐड कर देंगे। और फिलिंग ऐड करने के बाद इसको हम लोग हाथों से प्रेस करते रहेंगे और बटोरते जाएंगे दोस्तों। तो देखिए हम लोग एक हाथ से इसको प्रेस कर रहे हैं और उसी से बटोरते जा रहे हैं। तो दोस्तों इसको हम लोग जो ऊपर का भाग है इसको हाथों से अच्छी तरीके से दबाएंगे, ताकि हम लोग जब फ्राई करें इसको तो खोले ना। तो दोस्तों देखिए इसी तरह हम लोग इसको तोड़ करके और प्रेस कर देंगे, और प्रेस करने के बाद इसको दोस्तों हम लोग हाथों से ही अच्छी तरीके से दबाएंगे, ताकि जो हम लोगों का फीलिंग है वो चारों तरफ अच्छी तरीके से फैल जाए। तो देखिए तो हम लोग देखिए दोस्तों कचौड़ी कितनी अच्छी तरीके से बनकर तैयार है। तो दोस्तों इसी तरह हम लोग सारे कचौड़ी को बना लेंगे। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए दोस्तों हम लोगों ने तेल पहले ही गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। तो देखिए हम लोगों का जो तेल का टेम्परेचर है उसमें थोड़े थोड़े बुलबुले आने चाहिए, और आने के बाद दोस्तों इसी में हम लोग जो कचौड़ी बना कर रखे थे इसी में एक एक करके डाल देंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने एक साथ 5 कचौड़ी को ऐड किया है, और इसको ऐड करने के बाद हम लोग पहले जो 5 है दोस्तों मीडियम फ्लेम पर ही इसको फ्राई करेंगे, और जैसे हम लोग का तेल में तैरने लगेगा दोस्तों तो जो फ्लेम है हम लोग हाई कर देंगे और इसको पलटते रहेंगे। दोस्तों इसको चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो हम लोग की कचौड़ी है वो फट जाएगी। तो देखिए इसको हम लोग अच्छी तरीके से चलाते रहेंगे, ताकि हम लोग जो कचौड़ी है वो चारों तरफ से एक सा पके। तो देखिए हम लोग जो कचौड़ी है वो कलर भी आना चालू हो चुका है, तो इसको हम लोग इसी तरह से पलटते रहेंगे, और दोस्तों जो फ्लेम है उसको हाई करके ही हम लोग इसको पकाएंगे। तो इसको हम लोग चलाते रहेंगे, चलाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों देखिए हम लोगों का कचौड़ी में कितना शानदार रंग भी आ चुका है, तो हम लोग कचौड़ी बनकर तैयार है। तो इसको हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए दोस्तों है ना एकदम फूली फूली बाजार जैसी कचौड़ी, तो एक बार हमारे तरीके से आप ट्राई ज़रूर करें, और उसी में हम लोग ये मिर्च को भी फ्राई कर देंगे। तो एक बार दोस्तों हमारे तरीके से आप ट्राई ज़रूर करें, और देखिए कितना खस्ता बना है और कितना फूला भी है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।